ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे कांग्रेसी नेताओं के डरने की वजह भी लाजमी है। एक तो टिकट वितरण में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने चहेते उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, फिर भी उनके इलाके के अधिकतर सीट बीजेपी के खाते में ही गए। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में भी सभी कांग्रेस सांसदों के क्षेत्र में पार्टी की हालत पतली नजर आ रही है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का पद लेकर अपनी बदनामी कराने से कतरा रहा है। विधानसभा चुनावों के नतीजों को यदि लोकसभा का पूर्वानुमान माना जाए तो कांग्रेस के लिए अपनी मौजूदा 12 सीटों में से 11 को बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। सिर्फ मंडला में मुकाबला बराबरी का लग रहा है। केवल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में शामिल विधानसभा क्षेत्रों के नतीजों के आधार पर विश्लेषण करने पर मालूम पड़ता है कि 2009 में कांग्रेस के कब्जे में रही होशंगाबाद, देवास, उज्जैन और रतलाम लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का अब एक भी विधायक नहीं बचा है। इनमें से रतलाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का संसदीय क्षेत्र है। रतलाम संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 पर बीजेपी और 1 पर बीजेपी के बागी निर्दलीय विधायक का कब्जा है। देवास से राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन से प्रेमचंद गुड्डू सांसद हैं। होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है, यानी उनके लिए भी लोकसभा की राह आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के खंडवा संसदीय क्षेत्र में भी पार्टी के कब्जे में केवल 1 ही विधानसभा सीट आई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में दलों की संभावित स्थिति। कांग्रेस यहां हो सकती है हार। शहडोल, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और खंडवा। वहीं मंडला में बराबरी की संभावना है, जबकि गुना में सीट बरकरार रहने की संभावना है। वहीं सतना में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की सतना में हार हो सकती है। खरगोन में बराबरी की संभावना है, जबकि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, जबलपुर, बालाघाट, विदिशा, भोपाल, इंदौर, बैतूल में बीजेपी बरकरार रह सकती है। वहीं रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और खंडवा में बढ़त मिल सकती है। बसपा रीवा में हो सकती है हार। कुल मिलाकर आंकड़ों और हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों की माने तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की लुटिया डूब सकती है, और यही कारण है कि कांग्रेस में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर लोकसभा चुनाव के पहले काबिज होने को तैयार नहीं है। खैर, ये तो आंकड़ों और अटकलों की बात है, लोकसभा चुनाव की असल स्थिति तो नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगी। लेकिन एक बात जरूर काबिले गौर है कि जिस तरह कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर फजीहत मची है, वहीं नेता बैकफुट पर जा रहे हैं। इससे तो यही इशारा मिलता है कि पार्टी के नेताओं को खुद लोकसभा में करारी हार का डर सता रहा है, और वो चुनाव के पहले ही मन अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजन्य न्यूज।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पद का उपहार लेने के लिए कोई भी कांग्रेसी नेता तैयार नहीं हो पा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कौन इस कांटों के ताज को पहनने की चुनौती स्वीकारता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।